मैंने शरा सही मुस्लिम में नमाजें जमा करने वाली अहदीस के कॉन्टेक्स्ट में सारे आयमा अरबा की राय पड़ी है जो जमा के कायल हैं वो भी कुछ शराब बताते हैं लेकिन आप ये फैन बयान करते हैं कि किसी भी शर्त के बगैर जमा हो सकती है और आप ये भी कहते हैं कि मेरा कोई मौकफ भी ऐसा नहीं जो पहले ना रहा हो तो बर मेहरबानी अह सुन्नत में उन आय का बताएं जो आप वाला मौकफ रखते हो जी मेरे वाला जो मौकफ रखते हैं वो इमाम है इमाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजियला अगर इनसे बड़ा कोई इमाम है तो ले और टाइम लेक है इमाम आपने शुरू करने होते हैं डेढ़ दो सौ साल बाद पहले किसी इमाम को नहीं आपने मानना बाद में आप जेन में रखिएगा कि जब कभी भी इस तरह का इशू डिस्कस होता है तो आपने यह भी जेहन में रखना है कि सुन्नी और शिया इख्तलाफ या फसाद हो चुका हुआ है और तब ये सारे इशू सामने आ रहे हैं मेरा दावा तो फिर भी खत्म नहीं होगा उसकी वजह यह कि मैंने यह दावा किया था कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं है जो उम्मत का पहले ना हो तो मुझे बताएं दुनिया में पंद्रह से बीस फीसद जो अहले तशयो हैं क्या वो ये मानते हैं जो आप कह रहे हैं आयमा अरबा की राय को ये तो सुनियो के इमामों की राय आपने पेश की है ना तो शिया तो सारे वही मौकेफ रखते हैं जो मैंने रखा है तो मैं तो अपनी दलील में अभी भी कायम हूं उम्मत की बात की है ना उम्मत में आप के तो चार फिरके नहीं ना दाखिल सिर्फ <स्थाँगी> और मैंने जब यह बात की थी उसमें मैंने यह बात क्लियर की थी कि मेरी बाज बातें ऐसी हैं जिसे शिया सही समझते होंगे सुन्नी गलत समझते होंगे और बाज बातें ऐसी हैं जिन्हें सुन्नी सही समझते होंगे और शिया गलत समझते होंगे और फिर सुनियों में भी बाज बातें ऐसी हैं जो अहले हदीस सही समझते होंगे देबान बरेलवी गलत समझते होंगे और बास बातें ऐसी है जिसे देवान और बरेलवी सही समझते होंगे और अहले हदीस गलत समझते होंगे तो मेरा दावा कहां से खत्म हुआ है मेरा तो कभी यह दावा ही नहीं है कि सिर्फ सुन्नी फिरके के अंदर जो बातें आई हैं है हम उसे मानते हैं वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया अगर आप यह समझते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास शिया थे वो सुन्नी नहीं थे तो फिर तो अपनी किस्मत नू रोवो तो हमारी तो दलील है इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास उन्हीं अहदीस में आप सही मुस्लिम की वन सिक्स टू एट से लेके वन सिक्स थ्री सेवन तक ये मुसलसल दस अहादीस हैं। जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वाजो नसीहत कर रहे थे और थोड़ी देर बाद एक सुनी खड़ा हो जाता था कि हजरत नमाज का टाइम हो गया तो पहले तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उसे इग्नोर किया उन्होंने कहा ठीक है बैठ जा नमाज पढ़नी है मैंने भी दोबारा जब खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा तेरी मां तुझे रोए ये अरब का मुहावरा था यानी मां का बोती है जब बंदा घूम जाए या मर जाए तो ये फिजिकली को मरने की बदवार एक मुहावरा था जिसे हम कहते कहते हैं तेरा बेड़ा तरे, तेरा बेड़ा बेड़ा तरे तो तो वो ये तो नहीं कहते कि वाकई गरक करना चाह रहे होते हैं और ये मुहावरे नबी इस्लाम भी इस्तेमाल करते थे एक तो मुहावरा बहुत इस्तेमाल होता था वो हक अब ये आपको वो उम्र सीरीज में भी जगह जगह नजर आएगा वही हक हलाक हो जा तू अब वो फिजिकली तो नहीं ये बात कर रहे होते थे एक मुहावरतन बात तो उन्होंने फरमाया कि तू मुझे सुनना सिखाएगा अच्छा अब ये बात हम करते हैं तो कहते हैं ये तकबर का जुमला है अब्दुल्लाबन अब्बास ने कहा कि तू मुझे सुनना सिखाएगा उन्होंने किसी ने उनके ऊपर तकबर का फतवा नहीं लगाया फिर उन्होंने फरमाया कि नबी वसल्लम ने बगैर खौफ के बगैर बारिश के मदीना शरीफ में यानी बगैर सफर के तीनों उजर उड़ा दिए उन्होंने तीन ही उजर हो सकते हैं ना खौफ खौफ में जान का खौफ बीमारी का खौफ ये सारे खौफ ही है ना दुश्मन का खौफ बगैर बारिश के बारिश में ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है घर से आप बाहर नहीं निकल सकते उस जमाने में तो वैसे ही निकल सकते थे कच्चे रास्ते कीचड़ पानी जमा हो जाता था मदीना शरीफ में यानी बगैर सफर के जब वो ये कह रहे थे बगैर खौफ के बगैर बारिश के बगैर सफर के अब सुनियों के बाबों ने और इनके मौलियों ने बीच में लगा लिया कि इसमें यह तो नहीं लिखा हुआ कि बगैर किसी वजह के ये अब्दुल्ला अपने अब्बास के फरिश्तों के दिमाग में भी यह बात नहीं होगी कि इसमें से यह पाक किसी ने निकाल लेनी है वो यही तो कहना चाह रहे थे कि कोई वजह नहीं थी वो कहते नहीं ये जुमला बोले जब कोई कह रहा है बगैर खौफ बगैर बारिश बगैर सफर के मुराद ये कि ये तीन तो बड़ी बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से नमाजें जमा हो सकती हैं इससे ये भी साबित हो गया कि इन तीनों जगह पे वैसे ही हो सकती हैं ये इसके अंदर एंप्लाइड है कि बारिश हो खौफ हो सफर हो तो आपने तो जमा करनी करनी है इसके बगैर भी बील इस्लाम ने मदीना शरीफ में हमें जोर असर की नमाजें जमा फरमाई और मगरब रिशा और की भी जमा की तो ताबीन पूछते हैं कि यह रसुल्ला ने अमल क्यों किया था वसल्लम तो उन्होंने कहा ताकि उम्मत के लिए इस मामले में आसानी हो जाए और कोई हर्ज तंगी बाकी ना रहे दो बातें इर्शाद फरमाई हैं उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी ना रहे ये आपने जुमले जेन में रखने हैं इमाम अब्दुल्ला इबन ये इमाम अबू नीफा इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अम्बल की बात नहीं हो रही है इमाम अब्दुल्ला इबन अबास जो उस हदीस के रावी है और हदीस का रावी हदीस का फाम सबसे बेहतर जानता है वहां कोई एक और सुन्नी बैठा हुआ था इन्वर्टेड कामा में वो कहता है कि जब अब्दुल्ला इबनबास ने, ने यह बात की ना तो मेरे दिल में कलक आया कि पता नहीं ये झूठ मारता पे ये सही पे कहना है कहते हैं मैं चुप करके उस मजलिस से उठा और अजत अबू रैडा के पास या और मैंने कहा देखिए इबन अबास किस किस्म की बातें कर रहे हैं राफियों वाली हा तो उन्होंने भी आगे से उनको डांटा उन कहा कि इब्नबास ने जो कहा सच कहा यह तो अबुल कसिम की सुन्नत है सल वसलम के नमाजें जमा की जा सकती हैं इलमी मजलिस में जहरा कॉन्टीन्यूटी टूट जाती है ना यहां पर भी आप लोग जब चले जाते हैं तो यहां इंतजामिया के लोग हम जोर और असर की नमाज को जमा करते हैं जहरा यह मजलिस है बस ये एक ही नमाज है जो हमने यहां जमा करनी होती है फिर तो अगली संडे को ये अकेडमी खुलेगी अकेडमी बंद हो जाएगी शाम को ये तो एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग की है मुलाकात के लिए एक बैठक है अच्छा अब उसमें ना ये जो मुस्लिम शिव की हदीस है ना इसके नीचे कुछ ताबीन की आपस में डिस्कशन है जो नकल हुई हुई है मां मुस्लिम ने नकल की है बास की फिर भी तसली नहीं ना होती वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि रसुल्ला ने जोर आखिरी वक्त में पड़ी होगी और असर अव्वल वक्त में पड़ी होगी अच्छा ये जो तो जुमले हैं ना वो उठा के कहते हैं कि देखें जी वो ताबेन इससे मुराद जमा तकदीम या जमा तखीर नहीं लेते थे बल्कि जमा सूरी लेते थे और जमा सूरी को तो सारे ही मानते हैं जमा सूरी तो जमा होती ही नहीं एक किस्म की जोर आखिरी वक्त में और असर अव्वल वक्त में आपने पढ़ी तो कौन सी जमा हुई जोर जोर के वक्त में हुई असर असर के वक्त में और यह वो जमा है जिसे अनफी भी कहते हैं ठीक है मसलन आजकल आलमोस्ट जो सुन्नत के मुताबिक असर का वक्त दाखिल हो रहा है तकरीबन पौने तीन बजे आप ढाई बजे जोर की नमाज पढ़ लें और पौने तीन पढ़ लें असर की नमाज तो नमाजें अपने वक्त के अंदर है इसे कहा जाता है जमय सूरी सेंटर में और एक है जमा तकदीम जमे तकदीम यह कि जोर के साथ ही असर मिला ली जाए वो बुखारी मुस्लिम है कि नबी इस्लाम अगर जोहर के वक्त सफर के लिए निकलते तो उधर ही मदीना शरीफ के अंदर ही जोर असर कटी पड़ लेते तो क्या मतलब है कि असर का वक्त तो अभी शुरू ही नहीं हुआ तो जमा तकदीम हो गई ये हैं बुहारी मुस्लिम अनफी नहीं मानते इसको उसमें लिखा हुआ है कि अगर जोर का वक्त शुरू हो चुका होता तो आप असर भी साथ ही पड़ के निकलते आप अनफियों की तो मौत होगी ना इस हदीस की वजह से क्योंकि यहां तो जमा सूरी हुई नहीं है जोर का वक्त दाखिल हुआ है उसके आगे लिखा हुआ फिर कि अगर आप जोर का वक्त दाखिल होने से पहले निकलते फिर असर के वक्त में जाके दोनों नमाजें जमा करते ताकि ज्यादा ट्रेवलिंग हो जाए लॉजिकल है तो बिल्कुल हदीस है बुखारी मुस्लिम में तो मुझे बताएं क्या हनफियो ने यह सफर वाली हदीसें मान ली नहीं है नमाजें जमा करने वाली वो तो सफर में मानने के लिए तैयार नहीं है वो सिर्फ कहते हैं जी हाजी उमरे वाला हम मानते हैं उमरा बिनी हाजी जो मैदान अरफात में जोर असर जमा होती है और मुस्तल्फा के अंदर मगरब और शाह जमा होती है उसको वो भी मानते हैं कि चाहे वो खुली छुट्टी है जितनी देर मर्जी जोर का वक्त से लेके मगरब का वक्त होने तक और वहां मगरब से लेकर फजर का वक्त दाखिल होने तक किसी भी वक्त वो नमाजें जमा हो सकती हैं उसके अलावा वो नहीं मानते और कहते हैं ये हाज की खसूसियत है तो सरकार ये अगर हाज की खसूसियत है तो आप जो लोगों को ये कहानी करवाते हैं कि कुरान में ये आयत है इन न सलामिनी न किताब मकूत बेशक नमाज ममनिन पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है तो ये हज के मौके पर तो आप भी कुरान की मुखालफत कर रहे हैं जो आपने तशरी किया है हमारे नजदीक तो आपकी तशरी फ्राड है वो साबित करेंगे कुरान में तो सूर्य बनी सराइल में नमाज के औकात ही तीन आए हुए हैं पहले आप कुरान से पांच नमाजें तो साबित करें कुरान तो नमाजों की टाइमिंग तीन बताता है फजर दिन की नमाज और रात की नमाज फजर अलग है दिन की नमाज कौन कौन सी है जोर और सर और रात की नमाजें मगरब और शा क्योंकि ग्रूब आफ्ताब के बाद रात शुरू हो जाती है तो सरकार कुरान में अगर ये लिखा है कि मोमिन पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है नमाज तो कुरान तो नमाज के तीन औकात बता रहा है तो आप पांच नमाजें क्यों पढ़ते हैं वो जी बुखारी मुस्लिम में आई हैं हाँ पांच नमाजें बुखारी मुस्लिम में आज हैं अलग अलग औकात में जो हमारे नजदीक भी अफजल यही है हम भी अलग अलग ही पढ़ते हैं कभी जमा भी कर लेते हैं और बुखारी मुस्लिम में जो सफर में जमा करने की दीशें हैं वो आप ना माने बिबा दिल किताब व बिबाद किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ का कुफर करते हो फिर काटनी पड़ेगी ना उस शख्स के हाथों जो नारा लगाता है सा है ही कोई नहीं तेरे बाबे ते ही कोई नहीं जलील हो गए ना उसके हाथों फिर तुम भाई किधर खड़े हो गए किसी ग्राउंड में नहीं खड़े हुए इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा मुकदमा आप घोरे की अदालत में ले जाए ना दूसरी पेशी नहीं पड़ेगी पहली पेशी में ही सारे फारे हो जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे यार अगर तुम इन किताबों को मान रहे हो तो कौन सा दिन लेके चल रहे हो जब नमाजे जमा करते हैं तो आयत पेश करते हैं इनत सलाना किताब कहते हैं रुको जरा सबर करो फिर कुरान से ही पूछ लो कि नमाजों के औकात कितने है? कुरान तो कह रहे तीन पांच तो कह ही नहीं रहा फिर फंस जाते हैं फिर हदीसों में बना लेते हैं आके जब अधे तो भाई किताब मता का मतलब है कि वो शख्स इसको बताएगा कि नमाजों का टाइम कौन सा है कि जिसकी खबर मदीने में है सलम जिसपे शरीय नाजिल हुई है क्योंकि हाज़ के मौका पर किताब मूता किधर चला गया तुम्हारा वो तो कहते नहीं रसुल्ला ने तालीम फरमाया अच्छा रसुल्ला ने कुरान के खिलाफ तालीम फरमा दिया नहीं वो कहते हैं वो जनरल रूल है एक्सेप्शन आर ऑलवेज देर हाँ आयो ना दाड़ तले हाँ दाड़ तले तो ये एक्सेप्शंस ही होती हैं सफर में खौफ में बारिश में और मजबूरी में और इवन बगैर मजबूरी के भी वैसे तो बगैर मजबूरी के तो दुनिया में करता भी नहीं है कोई ना कोई वजह होती है ना किसी ने किसी शादी में जाना होता है किसी ने कोई मीटिंग अटेंड करनी होती है तभी वो जमा करता है ना कोई थका हुआ होता है किसी को पता होता है बाद में मुझसे टाइम मैनेज नहीं होगा चलो मैं अभी पढ़ लूं तो किसी ना किसी दर्जे में तो होता ही है तो ये भी आपकी बात गलत है मजबूरी तो होती है ना भी हो तब भी आप कैसे हुक्म लगाएंगे तो वो ताबीन की डिस्कशन लेके आते हैं और जो तो ताबीन कह रहे थे हो सकता है कि वो रसुल्ला ने जोर आखिरी वक्त में और असर अव्वल वक्त में पड़ी हो ये सरकार ये जो ताबीन बयान कर रहे हैं वो अपनी राय बयान कर रहे हैं अब्दुल्ला अब बास ने तो सीधा फरमाया कि रसुल्ला ने ऐसे इसलिए किया ताकि उम्मत के लिए तंगी बाकी ना रहे और आसानी हो जाए कोई हर्ज बाकी ना रहे ये आसानी का लफ्ज जो है ना बता रहा है कि नबी नबीस्म ने कोई स्टाफ वॉच ऑन नहीं की हुई थी कि ए बस ए दस मिनट रह गए टाइम दाखिल होने वाला जल्दी जल्दी जल वजू कर लो फिर नमाजा जमा करिए तो यह कौन सी आसानी है आसानी तो यह है कि टॉलरेंस आपके पास मौजूद हो कि जोर का वक्त दाखिल होने से लेकर मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त नमाज जमा हो जाए और मगरिब का वक्त दाखिल होकर फजर का वक्त दाखिल होने से पहले किसी वक्त नमाजें जमा हो जाए यह आसानी होगी वरना मुझे बताएं ये जो कहते हैं कि नबीस्लाम ने नमाजें जमा करवाई तो आप जरा मुझे ईमानदारी से बताएं कि जब नबीसलाम ने मगरब की जान दी होगी तो साथ ये अनाउंसमेंट करवाई होगी ना कि यार मगरब की जान होने लगी है लेकिन सवा घंटा इंतजार करना है जैसे ही शाम में दस मिनट रह जाना सारे ने आ जाना है तो मैं फिर इकट्ठिया करावा उस माने में तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी आसानी इसमें है कि साहब नाम आए हुए हैं आए तो थे मगरब की नमाज पढ़ने इस्लाम की असर के बाद से डिस्कशन जारी है कई बार आप असर के बाद खुदबा देते थे फिर लेट हो जाते थे डिस्कशन जारी है उस दौरान मगरब होगी आपने मगरब नहीं पढ़ी आप डिस्कशन अपनी जारी कर रहे हैं जैसे ही आप फारिग हुए हैं उस डिस्कशन से आपने मगरब और रिशा को जमा कर लिया या ये होता होगा कि मगरब की जान के वक्त साहब कराम आए मस्जिद में और जूर कहेंट बह जाओ एक डेढ़ घंटा मैं तो से आसानी करने लगा डेढ़ घंटे बाद कटी द्वे पढ़ावा तो लोग कहेंगे हजरत ये डेढ़ घंटा हम घर में कोई अपने काम काज कर लेते ये कौन सी ये तो उल्टा वो दस या बीस मिनट की नमाज हमें डेढ़ घंटे की पड़ गई है ये आसानी है मुझे बताएं लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन ये अकल वालों को समझ आएगा आसानी कब होगी इसीलिए इमाम तिरमजी ने तीनों तरीके से अदीस को जमा करके जामा तिलमजी में लिखा है कि जमा तकदीम भी सुन्नत है यानी जोर के साथ असर जमा सुनत है यानी असर के साथ जोर लेकिन पहले जोर पड़नी होगी फिर असर वक्त वो होगा और इसी तरह और शाह के लिए भी और जमा सूरी भी सुनत है लेकिन ज़ाहिर है सौ करोड़ इमाम तिरमजी सुननी तो थे लेकिन उन्होंने हदीस में ये नकल तो किया कि नबीसलाम ने मुस्लिम हदीस इमाम तिरमजी भी नकल की बगैर खौफ के बग़ैर बारिश के बग़ैर सफर के नमाजों को जमा किया और इब्ने अबास का फतवा भी निकल गया ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए कोई तंगी बाकी ना रहे और फिर कहते हैं लेकिन हमारे जो आयमा है ना आमम इंबल और इमाम शाफी वो कहते हैं बगैर वजह के नमाजों को जमा नहीं करना चाहिए तो कहते रहे आपके इमाम मैं कहता हूं जी अभी उठ के कबरों से निकल के, के हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसकी वजह यह है कि हमने तो उस शख्स को अपना इमाम माना है जिसकी कबर मदीने में है सल्ला सरकार इस दौर के इमाम शाफी और इमाम नंबल और इमाम मालिक वो लोग होंगे ना जो इस दौर में दीन सिखा रहे हैं इस दौर के लोग उस जमाने में होते तो उस जमाने में वो इमाम शाफी इमाम नंबल होते ठीक है जिस तरह मैंने अजराय तफन्न कई दफा कहा है कि आपने अगर उस दौर का कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा देखना है ना तो इमाम मुस्लिम का मुकदमा पड़े हदीस की सेहत के हवाले से वो कितने स्ट्रिक्ट और ये तफन के तौर पे है मैं तो इसको बेदबी शुमार करता हूं हाँ मैं ये कहता हूं कि इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लिया वो तो जमानों से क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई सब फॉलोअर है इमाम वो है जिसकी कबर मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा ये बाबा प्रस्ती की वजह से तो सारा जनाजा निकला है। इस हवाले से एक और हदीस जो पेश की जाती है ना इमाम तिरमजी रहमत ने उस हदीस को खुद जयव लिखा है जामिया तिरमजी के अंदर कि जिसने बगैर उजर के दो नमाजें जमा की तो वो गुनाह कबीरा का मुरतकिब हुआ ये हदीस मुस्तदरक अली हाकिम के अंदर भी है और फजाइल अमाल के अंदर भी शेख जकरिया ने नकल की है रिवायत और इसे अपनी हनफी साबित की लेकिन नीचे उन्होंने अरबी में लिख दिया कि ज़ईफ है हाँ यह काम डालते हैं ये लोग तो ये नमाज़ें जमा करने में आसानी उसी वक्त होगी जब आपके पास टॉलरेंस मौजूद हो लिहाजा सफर में करनी है या हजर में करनी है बारिश में करनी है या खौफ में करनी है किसी वजह से करनी है या बगैर वजह के करनी है नमाजें बहर पांच ही रहेंगी अलबत् वो जमा हो जाएंगी अहले तशैयों ने अपनी रूटीन बनाई हुई है नमाजें जमा करने की उनकी फिक्र में भी लिखा हुआ है कि नमाजें हमेशा जमा करना यह अफजल नहीं है रसुल्ला का अमूमी अमल क्या है पांच नमाजें अलग वक्त में पढ़ना हम जवान नकवी साहब हाफिजाल्ल को जब मिलने गए और वतुलवुस्खा के अंदर मैंने जोर असर कठी जमा की मस्जिद के अंदर वो जोर पढ़ के बाहर निकलाया और इंतजार कर रहे थे मेरा और मैं समझा शायद हमारी वजह से उन्होंने किया है कि चलो मुझे सुन्नी मिलने आया है तो मैं नमाजे अलग पढ़ूं तो उनके साथी कहा लगे नहीं ये असर जो है ना वो बाद में पढ़ते हैं ये नमाजें अलग वक्त में पढ़ते हैं ये जमा नहीं करते इधर वो कहते हैं मेरे लिए कौन सा मसला है मैं तो बाद में पढ़ सकता हूं ना चलो बच्चों की तालीम का अर्ज होता है और उन्होंने रूटीन में जमा की हुई है और एहले सुन्नत के हाँ भी अफजल नमाजों को अलग औकात में पढ़ना है जवाब यहां पर भी मौजूद है लिहाजा ये जो मैंने क्लेम किया था कि मेरा कोई एक नजरिया भी ऐसा नहीं है जो इस प्लेनेट अर्थ पे किसी मुसलमान फिरके का किसी ना किसी शक्ल में ना हो मुझसे ज्यादा ही सख्त होगा काम नहीं होगा मसलन अजर माविया के बारे में जो मेरा मौकफ है रजी अल्लाह हम तो इतराम से नाम लेते ये एल सुन्नत में तो आपको मुख्तलिफ शक्ल में इमाम अब्दुल की शक्ल में इमाम हाकिम की शक्ल में इमाम नसाई की शक्ल में इमाम शाफी की शक्ल में तो नजर आएगा लेकिन वर्स्ट फॉर्म में शिया के यहाँ नजर आएगा वो तो बहुत आगे चले जाते हैं लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई ऐसा नजरिया अडॉप्ट किया हुआ जो किसी का नहीं है तो नमाजे जमा करने में भी एहल तशयो एक बहुत हार्ड लाइन ले गए प्रैक्टिकली वाम उनकी फिक में तो उनके यहां भी है कि नमाजें पांच औकात में अलग पढ़नी चाहिए लेकिन जिद आ गई ना जब सुनियो ने कहा कि नमाजें जमा करना हराम है उन्होंने कहा फिर ठीक है आ जाओ मदानिच असि इस मुर्दा सुन्नत जिंदा करेंगे जिस तरह यहां पर आलिए चौथे दिन ऊंट कुर्बान करके कहते हैं मुर्दा सुन्नत जिंदा कर रहे हैं हालांकि वो रवायती कमजोर है हाँ पगड़ी की मुर्दा सुन्नत कोई नहीं जिंदा कर रहा उसे मुर्दा करने में सबसे बड़ा हाथी एल हदीस का है टोपी की सुन्नत को मुर्दा टोपी और पगड़ी की सुन्नत के कातिल जो है वो अहले अधिस है, है। इसलिए इस मुर्दा सुनत को कभी वो जिंदा नहीं करेंगे अपने अपनी मर्जी की सुनते जिंदा की हुई है सबने तो फिर शिया ने भी यही किया ठीक है यह नहीं कायल हम करेंगे जबरदस्ती और दूसरी तरफ हार्ड लाइन ले ली सुनियो ने उन्होंने कहा कि नहीं हम तो कहेंगे हराम है हां एहल अध को मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया है जरूरत दिखाई है कि उन्होंने इस चीज को माना कि नमाजें जमा हो सकती हैं लेकिन जब से ये हमारी वीडियोज आई हैं आप वो भी बैकफुट में अब हमारे मोहल्ले में जो एहिश की मस्जिद है बारिश का ओले भी पड़ रहे हैं वो नमाजें नहीं जमा करवाते पहले हल्का सा बादल भी आ जाए तो नमाजें जमा कर लेते थे जिद में आए हुए हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है हम अपने दो भाई साइड पे लेके अपनी नमाज जमा कर लेते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है जिद और हटदर्मी और खुद सारे ही नफे उठाते हैं तार जमील साहब हाफिजाउल उनके ड्राइवर ने खुद बताया कि मौलाना के साथ जब हम सफर में होते हैं तो मौलाना तो नमाज हमेशा जमा ही करते हैं देख ले। ले। लेकिन मौलाना से अगर हम कहें कि आप जरा इसका अलम उठाएं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी एक बहुत बड़े आलिश आलिम जिनके वो लाल रुमाल वाले भाई जो है वो सऊदिया में है उनका एक बड़ा भाई जो है ना वो जी इलेवन में उसकी मस्जिद है मेरा ऑफिस उसके पास ही था और ये मैं कोई दो हजार आठ नौ की बात कर रहा हूं ऑलमोस्ट यानी आज बीस नवंबर दो हजार बाईस है तो आप समझ ले ऑलमोस्ट ये चौदह साल पुरानी बात है उस वक्त मुझे कितने लोग जानते होंगे मेरी अभी शेख जुबैर साहब से ही सिर्फ मुलाकात हुई हुई थी और अभी मैं नया नया एल हदीस की तरफ गया था तहकीक कर रहा था तो जहरा मुझे तो कोई जानता नहीं था वीडियो तो मेरी कोई है ही नहीं थी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस तो आई हैं 2009 के अंदर एक दो बाकी 2010 से शुरू हुई हैं प्रॉपर तो मैं उन्हें मिलने के लिए गया मगरिब की नमाज के बाद मैं उनके करीब हुआ मुझे पता चला कि ये चंद बड़े में से है ना एले हदीज़ के मैं नाम नहीं लेता फिर वो पर्सनल हो जाएगा सबको पता ही है अलेदीज को तो पता चल जाएगा कि किसका मैं नाम ले रहा हूं तो वो गपशप शुरू हुई तो मैंने उनसे वैसे जो नया नया बंदा तहकीक में होता है उसे वैसे, वैसे ही चस्का लेने में मजा आता है इस तरह के तो मैंने कहा जी अब जहरा मेरा तो वो रिकॉर्ड उन्होंने करना ही था जहरा एक टॉमिक एनर्जी का ऑफिसर है इंजीनियर है तो वो तो वो कोई आम बंदे से तो बात नहीं कर रहे मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था तो मैंने कहा कि ये नमाजें जमा कहते हैं ये तो हराम है तो रावजियों का तरीका है मैंने कहा सर मुस्लिम में दस अदीसें हैं अच्छा उनको ये पता चल गया कि इसे पता है कि मुस्लिम में दस अदीसें हैं तो अब एक स्टेप मैंने पीछे आना है फिर उन्होंने कहा हाँ वो मुस्लिम में है उसमें सफर में तो आप कर सकते हैं मैंने आम हालत में हराम की बात की थी मैंने कहा मुझे पता है कि अहल हदीस सफर में करते हैं और बारिश में भी हाँ कहते हैं हम बारिश में भी कराते हैं हम जमा तो मैंने कहा उसमें तो वाजे है कि बगैर सफर के बगैर खौफ के बगैर बारिश के कहते नहीं जी उसमें ये तो नहीं है ना कि बगैर मजबूरी के कोई ना कोई मजबूरी तो होती होगी मैंने कहा चले इसको ही आप प्रोमोट करें मतलब तो आप लोगों को कभी बारिश और सफर के बगैर भी नमाज जमा करवा दिया करें कि भाई यह भी एक सुन्नत है तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा मुझे कहते हैं मैं तो कर लेता हूं तुम जमा खुद सारे ये फायदे उठा रहे हैं मैं आपको बताऊं लोग तो कहते हैं ना इलम दीन हासिल करें आप मुश्किल में पढ़ जाएंगे। मैं आपको कसम उठा के कहता हूं कि अगर आपको इल्म दीन है ना आप दीन को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं दीन बिल्कुल हल्का है ये इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के चुंगलों में आपको फंसाया इसलिए हुआ है ताकि आप इनसे मसले पूछते रहे और आपको यह मजीद उलझा के ना साइको बनाते रहे ए ना करना है हो जाएगा ओ ना करना है हो जाएगा नहीं नहीं ऐ कोई नहीं साबित एंग नहीं होंगे कहने लगे यार मैंने कई बार बीवी के साथ ना बाजार जाना होता है ना तो ये तो कई बार इतना लेट करती है मगरिब हो जाती है तो फिर मैं अपनी बीवी को पीछे खड़ा करके ना जैसे ही बारह बज के दस मिनट पर जोर का वक्त दाखिल हुआ हम जोर असर इकट्ठी करते हैं फिर मैं कहता हूँ जाए जिधर मर्जी आराम से शॉपिंग करें आराम से मगरिब के वक्त हम वापस आके तो फिर मैंने कहा यार अंदाजा करें ये लोग खुद फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं लेकिन उम्मत वो जो इबन बास मेरे इमाम ने फरमाया था ना ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी ना रहे इन्होंने बिल्कुल उलट अमल किया हाँ ताकि ना कोई आसानी हो और तंगी बरकरार रहे और खुद ले रहे हैं जो मैं खदीर खुम की हदीस कुरान बैत जो मुस्लिम शरीफ में चार हदीसें हैं उसमें जैद अबिन अरकम कहते हैं कि नबीलाम ने फरमाया था कुरान अल्लाह की किताब है या अल्लाह की रस्सी है जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो अपना ताल्लुक़ इसके साथ मजबूत करो और फिर जैद अबिन अरकम कहते हैं नबीसलाम हमें तरगीब दिलाते रहे की किताब अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज़ मेरे अहलुल्बैद है मैं अपने अहलुल्बीत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ और ये जुमला आपने तीन दफ़ा रिपीट किया मैं अपने बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं मैं अपने बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं उम्मत बिल्कुल उलट चली ना कुरान को अकीदों में पकड़ा हालांकि हर नमाज की हर रकत में पढ़ा ईया का नाबदू व ईया का नस्त लेकिन उसी मस्जिद के साथ जो बाबा दफन था ना नमाज पढ़ने के बाद उस बबे से भी मांग के घर वापस आए ये तो ईद में से सीखा ना कुरान को पकड़ा अहलुल्बई को जिंदा छोड़ा बिल्कुल उलट चले यहां पे भी इमाम इब्ने अब्बास और सरकार अब्दुल्लाबन तो वो है जिनके बारे में बुखारी में हदीस है इब्ने अब्बास को कुरान का फह मत आफरमा तुम जो हनफी लोग हमें आयात पढ़ पढ़ के सुनाते हो इन सला किताब मौकू तो इस आयत की शरा अब्दुल्ला इबन अब्बास को ज्यादा आती है तुम लोगों को ज्यादा आती है क्या उन्होंने खिलाफ वर्जी की कुरान की नहीं कुरान का फार्म था उन्हें वो तो हमने अब आपको बताया ना कि कुरान में तो नमाज के फिर तीन औकात हैं सूर्य बनी इसराइल में हाँ तो फिर तो आपको तीन औकात में पांच नमाजें पढ़नी चाहिए और यहां पर पे गंडा किया शिया तीन नमाजें पढ़ते हैं एक गरीब उत और यही सुनियो की जहलियत है जिसने शिया को अपने कई गलत नजरियात पर मोहकम किया उन्होंने कम ये तो है ही है। इनको तो अपनी मुस्लिम शरीफ का नहीं पता वैसे हमारे से कर रहे जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स देवबान बरेलवी एल और शिया के उलमा को भी जैल समझ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने तो मेरी वीडियो देखी है उन्हें तो पता होता यार इसको क्या पता ये बेचारा आपने कभी कुएं से बाहर नहीं निकला कि इसे क्या पता कि क्या होगा जिस तरह वो आपने देखा कि लाइफ स्टोरी में एक तेरह चौदा साल का बच्चा आया है आप जरा उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें लगता है किसी बड़े बंदे की रूह उसके अंदर आ गई हुई है वो कहता है वो एक आलमे दीन के साथ मेरा मुनाजरा हो गया छोटा सा बच्चा पगड़ी उसने काली बांधी हुई है और कहता है वही जो इन्होंने सवाल रटे हुए अच्छा बताओ एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है एक बंदे का और वो तड़प रहा है और नमाज भी निकल रही है तो पहले तुम उस बंदे को बचाओगे या नमाज पढ़ोगे वो कहता है मुझे इसका जवाब पता था कि अनफी का जवाब देते हैं लेकिन मैंने कहा मैं जवाब ऐसा दूं कि इसको एक बार लग पता जाए तो वो कहता है मैंने उसको कहा कि मैं उसे तसली से बचाऊंगा हॉस्पिटल लेके जाऊंगा बाद में नमाज़ें जमा करके पढ़ूंगा क्योंकि यह भी सुनत है आया ना और तू दाड़े उन बच्चे तो अनु कह नमाजें जमा करूंगा अब आगे किसकी जरूरत है जो नहीं नमाजें तो जमा नहीं हो सकती वो खोल के सामने रख देगा अब यह माना भी खत्म हो गया कि जी कुरान में तो कुरान में तो अल्लाह तारा ने फरमाया कि नमाज मुकर्र वक्त पर पढ़ना फर्ज है तो कुरान में तो सरकार फिर तीन औकात है तो फिर तीन औकात में नमाज पढ़नी चाहिए नहीं हदीस में पांच औकात आए हैं उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन तो सरकार सिर्फ इतनी तो नहीं एक्सप्लेनेशन इसके आगे भी एक्सप्लेनेशन आई हुई है बगैर खौफ के बगैर बारिश के बगैर सफर के भी नमाजें जमा हो सकती हैं और सफर में तो वैसे ही सुनत है इसके अंदर इंप्लाइड है तो ये सारी की सारी बातें जो कर रहे होते हैं सतही नॉलेज के तौर पे मैं आपको वसूख से कहता हूं आप हमारी गुफ्तगु सुने हम अपनी गुफ्तगु में मुखालफी के भी सारे दलाइल ईमानदारी से खुद बयान करते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि उन्होंने डंडी कहां मारी या उनके बड़ों ने कौन सी डंडी मार के इनके सर के ऊपर एक डंडा रखा हुआ है जिसकी वजह से कुरानो सुनत नहीं मान रहे तो आपके अंदर से एक दिन फिर आवाज निकलेगी कि मरने से पहले अह मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और बाबे भी इसी खुदा को मानते थे लेकिन तालीमत तो उन्होंने अपनी दी है किताबों वाली नहीं दी है किताबों का नबी और है बाबों का नबी और किताबों का धी और है बाबों का धी और صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين